अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक का नाम ब्रोंकाइटिस है, बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। ब्रोंकाइटिस क्या होता क्या है, जैसे मिसाल के तौर पर ब्रोंक का मतलब होता है ब्रोंकाई या ब्रोंकस, और आइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन। ये जो ब्रोंकाई या ब्रोंकस है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक नाली है, जिसमें इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंकाई अगर यहाँ पर सोजिश हो जाए तो फिर जो डिजीज़ है उसका नाम ब्रोंकाइटिस है। ये मेरे बच्चे एक नाली है, अगर देखा जाए इसका ये सुराख है, डायमीटर जो कि बहुत बड़ा है इसका, यहाँ पर देखा जाए तो इसकी वॉल के अंदर सोजिश होती है, और सोजिश होने से ये जो डायमीटर है ये कम हो चुका है, इसकी सुराख की जो ओपनिंग है वो काफ़ी कम हो चुकी है सोजिश की वजह से। ये जो पेशेंट है इसको कहा जाएगा, इसको ब्रोंकाइटिस हो चुका है। बेसिकली ब्रोंकाइटिस में अगर देखा जाए इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन कैसे होती है, सोजिश कैसे होती है, बेसिकली एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ म्यूकस इनटू ट्यूब्स, अगर ज़्यादा खारिज होगा म्यूकस तो मेरे बच्चे यहाँ पर ये सोजिश आपको होती हुई नज़र आएगी। अब ये सोजिश करने के लिए म्यूकस खारिज होना लाजमी है। अब म्यूकस जब खारिज होगा तो पहला तो काम ये होगा स्वेलिंग होगी ट्यूबुलर वॉल, ये देखिए स्वेल हो चुकी है। नैरो ऑफ ट्यूब्स, ये देख सकते हैं ये जो ओपनिंग है काफ़ी नैरो हो चुकी है। और ये किसने म्यूकस को खारिज करवाया बेटा, इसमें वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, और केमिकल इरिटेंट्स भी हो सकते हैं। इन चीज़ों की वजह से ज़्यादा म्यूकस खारिज होता है, और ज़्यादा म्यूकस खारिज होने से पहला तो काम इन्फ्लामेशन होगी, स्वेलिंग होगी, और ये नैरो ट्यूब होगा, तो ऐसी डिजीज़ का नाम क्या हो गया बेटा, ब्रोंकाइटिस है। अगर किसी इंसान को ब्रोंकाइटिस हो जाता है और वो 2 वीक्स तक रहता है, 2 हफ्तों तक, या परमानेंट डैमेज नहीं करता, तो ये अक्यूट ब्रोंकाइटिस है। और अगर ये लंबे वक्त तक डिजीज रहती है, 3 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक रहती है, और वो परमानेंट डैमेज भी हो जाता है, उसको लंबे वक्त तक बीमारी तो रहती है और फिर परमानेंट डैमेज भी हो जाता है, ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहलाया जाता है। इसमें मेरे पास सिम्टम अगर देखे जाने इस बीमारी के अंदर, तो कफ खांसी काफ़ी देर तक रहती है, माइल्ड वीजिंग, जब वो बोलता है तो सीटी की आवाज़ आती है, जब वो खांसता है तो सीटी की आवाज़ आती है, फीवर रहता है, चिल्स सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, उसका जो सांस है वो भी उखड़ता है, मतलब वो छोटे सांस लेता है। तो मेरे बच्चे ये सिम्टम है ब्रोंकाइटिस के अंदर। इसी तरह से सारे के सारे मैटर के लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं और 1 बाय 1 करके आपको मिलते जाएंगे, तो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा। और हाँ, मेरा एक न्यूज़ चैनल है, कमेंट के अंदर मैंने वो उसका लिंक दिया, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके अंदर भी मेरे बच्चे सारे के सारे मैंने बायोलॉजी के लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।